नमस्कार। अभी आपने डेमो देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हमने पावर सप्लाई नहीं लगा रखी है, और इसके बीच में कुछ लगा भी नहीं है मैकेनिकली, ये बिल्कुल खाली है। फिर भी जब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये घूमता है और उसी दिशा में घूमता है। देखिए, जब इधर घुमाएंगे तो ये उधर घूमेगा, ये देखिए घूम रहा है ना, और जब ये उधर घुमाएंगे तो ये ऊपर घूमेगा, ये देखिए। अब ये कैसे हो रहा है मैं इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये दोनों मोटर हैं, ये 100 RPM और 12 वोल्ट की दो मोटर हैं। ये मोटर जनरेटर की तरह भी यूज हो सकती है, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे हैं, तो अगर हम पावर सप्लाई देंगे तो मोटर चलेगी, और अगर व्हील घुमाएंगे तो पावर सप्लाई आएगी। तो इसको हमने, ये दोनों कनेक्शन यहाँ लगे हुए हैं, मैंने टेप लगा रखा है, नहीं तो वायर निकल जाता है, और ये दोनों कनेक्शन यहाँ लगे हैं, तो यहाँ भी टेप लगा रखा है, नहीं तो वायर निकल जाता है। आज जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये जनरेटर की तरह ये मोटर काम कर रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है, और ये वोल्टेज इसको जा रहा है तो ये मोटर चलने लगती है। तो ये वाली मोटर जनरेटर की तरह काम कर रही है और ये वाली मोटर मोटर की तरह काम कर रही है। देखिए, ये हमने दिखा रखा है, ये है मोटर M1, ये जनरेटर की तरह हम काम में ले रहे हैं, और ये मोटर M2 है, ये मोटर की तरह काम कर रही है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ सप्लाई आएगी और मोटर चलने लगती है। देखिए, अब मैं कनेक्शन रिवर्स करके दिखाता हूँ। देखिए, हमने कनेक्शन उल्टा कर दिया, पहले ये वाला वायर पिंक वाला पिंक को जा रहा था, ब्लैक ब्लैक को जा रहा था, अभी उल्टा हो गया। देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट जा रहा था, अब हम इसको चेंज करते हैं, अब नया कनेक्शन ऐसा है, ये तो ये रेड वाला इधर ब्लैक में जा रहा है और ये रेड वाला पिंक वाला इधर ब्लैक में जा रहा है, तो अब ये उल्टा घूमेगा, ये इधर घुमाएंगे तो ये उधर जाएगा, ये देखिए, क्योंकि हमने इसको सप्लाई उल्टी दे दी, और उधर घुमाएंगे तो ये इधर आएगा। तो ये जनरेटर की तरह काम कर रहा है, ये मोटर की तरह, और हम हाथ की एनर्जी जो है उससे ये जनरेटर काम करता है। ये दोनों मोटरें आपको बाजार में मिल जाएंगी, ये पहिया भी मिल जाएगा। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ मैंने कैसे फिटिंग कर रखी है। ये डीसी मोटर है, 12 वोल्ट 100 RPM, ये लो RPM की मोटर है। यहाँ पे पीछे दो टर्मिनल होते हैं जिससे हमने ये दो वायर सोल्डर कर दिए हैं और टेप लगा दिया जिससे वायर बाहर नहीं आए। ये मोटर की तरह भी काम करती है और जनरेटर की तरह भी, और ये पहिया है और ये क्लैंप है, ये दोनों इसके मैचिंग के हैं। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।